हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आपके अपने वर्ल्ड एक्सेस चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनामल चौक पुट्टी के बारे में बताऊंगा कि एनामल चौक पुट्टी बनाई कैसे जाती है, उसका यूज कौन से सरफेस पे किया जाता है और उसका जो थिकनेस है वॉल पे कितनी होनी चाहिए। मगर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं ये कहूंगा कि मेरी इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी बिगनर है या फिर जो इस फील्ड में अभी नए आए हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं ये भी कहूंगा अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे इस चैनल को आप फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में छोटा सा बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नए नए आइडियाज का पता लगता रहेगा। और हाँ फ्रेंड, इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा चौक पुट्टी का पेस्ट बनाना कैसे है। फ्रेंड्स, 1 किलो चौक पुट्टी पाउडर लेना है और उसमें 250 ml पानी डालना है। 250 ml पानी और चौक पुट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स उसको इस तरह से करना है कि उसमें जो गांठे होती है चौक पाउडर में, तो वो गांठे नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद उसमें हमें व्हाइट एनामल पेंट डालना है 100 ml। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, व्हाइट एनामल पेंट 100 ml डालना है। फिर उसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। अब क्या होगा, 4 से 5 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा चौक पुट्टी का पेस्ट बन जाएगा। अब चौक पुट्टी आपकी तैयार है वॉल पे अप्लाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा चौक पुट्टी हमें किस तरह के सरफेस पे करनी चाहिए। चौक पुट्टी हमें पीओपी और पुट्टी के ऊपर करनी चाहिए, बशर्ते पीओपी और पुट्टी के ऊपर प्राइमर लगा हो। प्राइमर लगने के बाद उस पे हम चौक पुट्टी कर सकते हैं। चौक पुट्टी के 2 कोट होते हैं, पहला वर्टिकल होगा और दूसरा कोट हॉरिजॉन्टल में होगा। 2 कोट होने के बाद उस पे हम 320 नंबर से सेंडिंग करेंगे। ये 320 नंबर सैंड पेपर है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 320 नंबर सैंड पेपर है, इससे हम वॉल पे सेटिंग करेंगे। तो वॉल पे जो चौक मुट्टी जो एक्स्ट्रा लगी रहती है या कुछ भी होगा, इससे वॉल स्मूथ हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वॉल पे करके दिखाता हूँ और चौक मुट्टी पेस्ट दिखाता भी हूँ कि उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे मैंने गुरुमाला में चौक पुट्टी ले रखा है। चौक पुट्टी का पेस्ट इतना होना चाहिए, आप देख रहे हैं इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लग रहा है। तो इस तरह का पेस्ट होना चाहिए चौक पुट्टी का। और इसको हम ट्रावल और स्क्रैपर दोनों से कर सकते हैं, और मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। और इसका पहला कोट हम वर्टिकल में लगाएंगे, पहला कोट इस तरह से लगाएंगे, फिर साफ कर लेंगे, फिर एक बार वॉल पे लगाएंगे, फिर पत्ती को थोड़ी सी खड़ी करके इस तरह से साफ कर लेंगे। अब मैं आपको, अभी तो मैंने स्क्रैपर से लगा के दिखाया, अब मैं आपको ट्रावल से लगा के दिखाता हूँ कि ट्रावल से कैसे लगाते हैं। एक बेनिफिट और है ट्रावल से काम करने का, ट्रावल से अगर आप काम करते हैं तो आपका काम भी थोड़ा सा जल्दी होता है। पहले इसको इस तरह से वॉल पे लगा दिए, वॉल पे लगाने के बाद ट्रावल को थोड़ा सा खड़ा करके जितना भी मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल सारा निकाल लिया। आप देख रहे हैं ज्यादा मटेरियल वॉल पे नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि चौक पुट्टी का मेनली वर्क ये होता है वॉल को स्मूथ करना। अब ये तो हो गया अपना वर्टिकल, अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल। जब ये सूख जाएगा तो इस पे हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, मगर मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूं। मगर ध्यान देना, आपको फर्स्ट कोट सूखने के बाद ही दूसरा कोट हॉरिजॉन्टल में करना है, इस तरह से। पहले हमने लगा दिया दूसरा कोट, दूसरे में हम इसको निकाल लेते हैं, अच्छे से लगा दिया, फिर इसको निकाल लिया। मेनली वर्क चौक पुट्टी का यही होता है
देखिए इससे वॉल स्मूथ होती है एकदम, बहुत बढ़िया हो जाता है वॉल। इस तरह से फ्रेंड हम करेंगे तो चौक पुट्टी के दो कोट हो जाएंगे। दो कोट होने के बाद इस पे हम सैंडिंग करेंगे 320 नंबर से। 320 नंबर सैंडिंग करने के बाद फिर से इस पे प्राइमर लगता है। प्राइमर लगने के बाद इस पे किसी भी तरह का हम पेंट कर सकते हैं, रॉयल लग्जरी कर लो या सुपर लग्जरी कर लो या प्रीमियम पेंट कर लो, मतलब किसी भी तरह का पेंट इस पे हो सकता है। और पेंट की चमक भी इस तरह का, अगर आप वॉल पे बेस बनाओगे, बेस बनाने के बाद कोई सा भी पेंट करोगे तो पेंट की चमक बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत ही बेहतरीन चमक आएगी पेंट की। फ्रेंड्स चौक पुट्टी के बारे में मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है। अगर आपको बेसिक पेंट की और भी नॉलेज चाहिए तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।